दोस्तों यूपीएससी परीक्षा को अक्सर कठिन माना जाता है क्योंकि इस परीक्षा में ना सिर्फ कैंडिडेट्स के ज्ञान की परीक्षा ली जाती है बल्कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी को भी परखा जाता है। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय एथिक्स होता है और साथ ही इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी चेक भी की जाती है, जहाँ उनसे इंटरव्यूअर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर यूपीएससी में एथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 2 पुलिस ऑफिसर्स पर कार्रवाई की गई है जो कि आईपीएस और डीएसपी के पद पर कार्यरत थे। आईपीएस ऑफिसर को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया, वहीं डीएसपी को डिमोटेड कर दिया गया। दरअसल ये ऑफिसर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर घेरे में आए हैं। जरा सोचिए, यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको इतनी प्रतिष्ठित पद मिलती है, लेकिन वहीं आपकी छोटी सी भूल आपकी सारी मेहनत और आपकी छवि को खराब कर सकती है। यही इन ऑफिसर्स के साथ हुआ और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने प्रतिभावान होते हुए भी इन ऑफिसर्स ने ये गलती कैसे की? तो इसका सीधा सा जवाब है एथिक्स, यानी नैतिकता की कमी होना। जी हाँ, आपने सही सुना, एथिक्स की कमी होने की वजह से व्यक्ति कोई भी गलती कर बैठता है। अब एथिक्स में कमी किस वजह से होती है? तो इसका जवाब है मन पर काबू न करने की वजह से। यदि आपका आपके मन पर कंट्रोल नहीं है तो आप जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं। दोस्तों महाभारत में गीता का उपदेश देते वक्त भगवान श्री कृष्ण ने भी मन को लेकर ही उपदेश दिया है। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मन तो चंचल है जो कि हर जगह भटकता रहता है। मन आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, अर्थात आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए हमें मन का दास नहीं बनना है बल्कि मन को काबू में करके उसे अपना दास बना लेना है, तभी हम किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। तो दोस्तों चाहे वह युद्ध महाभारत का हो या फिर यूपीएससी का या फिर आपके पूरे जीवन का, मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने मन पर काबू पाना आना चाहिए और अपने एथिक्स पर काम करना होगा, वरना यह आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अब जान लेते हैं कि यूपीएससी में एथिक्स क्यों जरूरी है। एथिक्स की परीक्षा कैंडिडेट की सत्यता, निष्ठा और अभिरुचि की परख करता है। एथिक्स यानी नैतिकता का उद्देश्य समाज का हित होता है। नैतिकता की यह मांग है कि व्यक्ति अपने निजी हित के स्थान पर समाज के कल्याण को अधिक महत्व दे, जो कि एक सिविल सेवक के लिए बहुत ही अहम गुण माना जाता है, क्योंकि एक सिविल सेवक को निजी स्वार्थ से हटकर समाज के हित में कार्य करना होता है। ऑफिसर्स में ड्यूटी के प्रति ईमानदारी और अनुशासन के लिए ही परीक्षा में एथिक्स का पेपर ऐड किया गया है। तो दोस्तों यह थी हमारे आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।